नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो और कई उद्योगपतियों से उत्तराखंड में निवेश करने के लिए मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बात को बहुत जोर देते हुए कहा कि यूं तो उत्तराखंड में कई लोग निवेश करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस प्रकार का निवेश आवश्यक है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि के उद्योग लगे, यह भी सरकार देख रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान से भी कई बड़े मायने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगर कोई उद्योगपति उद्योग नहीं लाया और उसका काम नहीं हुआ तो सरकार उसे भी संपर्क करने का प्रयास करेगी। ये हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं और कल दिल्ली में जो निवेशकों के साथ मिलने का कार्यक्रम है रोड शो का, उससे पहले भी हमको एक काफ़ी सारे प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं। हम सभी का आकलन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, यह भी आकलन कर रहे हैं कि राज्य की दृष्टि से और जो हमारी यहाँ पर उपलब्धता है जमीनों इत्यादि की, उसमें हम किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों के आने से राज्य के अंदर निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, उन सभी का आकलन करने के बाद ही निवेशकों के साथ करार। उत्तराखंड में इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है, चाहे सड़क हो, भू धसाव हो या फिर फसलों का नुकसान हो। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। फसलों के नुकसान के लेकर सार्वजनिक संपत्तियों हो या सरकारी विभाग या निजी नुकसान, सरकार सभी का आकलन कर रही है और जिन जिन विभागों का नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जा रहा है, सरकार पूरे नुकसान का आकलन कर चुकी है, जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। निश्चित रूप से एक इस बार के अतिवृष्टि के कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो, जो हमारे तमाम तरह से कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पर भू धसाव हुआ है, अनेक प्रकार की हानियां हमको हुई हैं, उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जल्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री के 12 अक्टूबर को आने वाले कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम नहीं आया है। जब आने का पूरा कार्यक्रम आएगा तो मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए एक उत्सव का मौका है और उनके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कन्फर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है, कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस शुभ आगमन के।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी और किस तरह से अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जाता है। सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया जा रहा है। अट्ठाईस नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि G20 की जो बैठक हुई उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें, इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और विशेष कर से इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती वन्य जीवों की संख्या के साथ ही बंदरों का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। बंदरों के आतंक पर तमाम लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बढ़ते बंदरों के खौफ से निजात दिलाने के लिए जल्द ही विभाग 5 अन्य बंदर बाड़ी बनाएगी ताकि बंदरों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बंदरों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के साथ ही बंदरों से होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुए एक दीर्घकालीन योजना के तहत इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। एक मिशन के रूप में मिशन मंजूर शुरू किया है जिसमें राज्य में तकरीबन 3 लाख के आसपास जो बंदर है, हमारा ये प्रयास है कि 3 वर्षों के अंदर सारे बंदरों का बंध्याकरण करके हम इस भविष्य में एक दूरगामी नीति के तहत बंदरों की फर्दर जनसंख्या में रखने में सफल होंगे ताकि जो हमारे फार्मर्स का और बंदरों का कन्फ्रंटेशन है, जो हमारे आम आदमी का और बंदरों के साथ जो बंद है उसको रोक करके आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए और एक साथ साथ सुअरों से भी खेती को बड़ा नुकसान होता है, तो सुअरों की जनसंख्या को रोकने के लिए हमने मिशन लोमड़ी भी कहां पर हम करने का निर्णय लिया है ताकि लोमड़ियों के द्वारा लोमड़ी को भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो मिशन लोमड़ी के माध्यम से इनको रिवाइव करके किसको भी लोमड़ी सुअर के बच्चों को खा जाती है, तो इन सुअरों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए मिशन लोमड़ी में हमने प्रारंभ किया। कुल मिलाकर सरकार का यह है कि फॉरेस्ट वन विभाग की जो नीतियां हैं वो आम जनता के प्रति दोस्ताना हो ताकि आम आदमी का जो मनों से कनेक्शन टूट गया उसको पुनर्स्थापित कर सके। उत्तराखंड में बढ़ती वन्य जीवों की संख्या के साथ उनसे जुड़े अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी है। प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ते वन्य जीव अपराध पर रोकने के लिए अब सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही सरकार इसके लिए प्रकोष्ठ का गठन करने जा रही है। वन्य जीव अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार जल्द ही राज्य स्तरीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाने जा रही है ताकि वन्य जीव अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन्य जीवों से जुड़े अपराधों में अपराधियों के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, ऐसे अपराधियों पर नियंत्रण के लिए यह विशेष प्रकोष्ठ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अगर अपराधियों से संबंधित एक प्रकोष्ठ का भी गठन करने जा रहे हैं, क्या इसका स्वरूप है और कैसे इससे रोक लगा पाएंगे? देखिए जो पूछिंग है ये बड़ी खतरनाक है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ की जगह जगह एलिफेंट पूछिंग हो रही है, टाइगर पूछिंग हो रही है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह के माफिया जो खालों के का व्यापार भी करते हैं और नाखूनों का व्यापार करने के साथ साथ वन्य जीवों को केवल अपने आर्थिक हितों के कारण मारने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से सजा दी जा सके और किस तरह उनके पकड़ में ला करके हमें वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जो सरकार का हमारी एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें, इसको लेकर वन्य जीव अपराध प्रकोष्ठ हमने बनाया है कि अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ, ताकि वन्य जीवों के साथ अगर किसी तरह का मारने की कोशिश की जाए तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा दें। हल्द्वानी में MBPG महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कराया सर्वोदय 2023 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों से छात्रों का मन मोह लिया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए न सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमान योजना पर चल रही है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेडियम सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। स्टेडियम को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया ताकि युवा खिलाड़ियों को बेहतर मौका मिले। साथ ही मंत्री ने बताया कि 100 में से 100 बालक बालिकाओं को 2000 प्रति माह सरकार छात्रवृत्ति के रूप में दे रही है, जिससे राज्य में छात्र छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर भविष्य में खिलाड़ी बनकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। हमारी ये सतत कोशिश है कि हम खिलाड़ियों के लिए संसाधनों का विकास करें और जो संसाधन विकसित हुए हैं उनको हम मेंटेन करते हुए समय से समय पर उसका उपयोग बच्चों के लिए बना रहे, उसको विवाह सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। आने वाले समय में यह भविष्य है कि हम हल्द्वानी में ही हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उसमें मर्ज होगा और फिर उसमें खेल की सभी एक्टिविटी कंटिन्यूटी के साथ में की जाएंगी। वर्तमान में भी स्टेडियम का बहुत हद तक उपयोग जो है खेल विभाग लगातार, चाहे वो प्राइवेट संस्था वहाँ पे को प्रतियोगिता कराना चाहे उस दृष्टिकोण से भी, और लगातार विभाग में चाहे खेल महाकुंभ हो, उद्यमान उन्नयन योजना हो, 14 से 23 वर्ष तक के खेल प्रोत्साहन राशि धनराशि के संदर्भ में युवाओं का चयन प्रक्रिया हो, सभी चीज़ें जो हैं वो उस फील्ड के माध्यम से की जा रही हैं। तो ऐसा कहना कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अभी और बहुत कुछ किया जाना है और जिसके लिए हम प्रयास। अल्मोड़ा में विकास भवन में सांसद अजय टमटा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक की। इस बैठक में जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों की ओर से भागीदारी की गई। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, आयुष्मान भारत कार्ड, PMGSY सहित सभी विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई। सांसद ने समीक्षा करते हुए विभागों को गुणवत्ता कार्य प्रगति के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागों में तेजी से कार्य किया जाए। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि दिसंबर तक सभी कार्यों को आवश्यक रूप से पूरा किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज की बैठक हमारी आहूत की गई थी, बुलाई गई थी, और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक में जानकारी ली गई और जो जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से चल रही, चाहे वो जल जीवन मिशन की हो, PMGSY की हो, NH की हो, और भी जो मनरेगा से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, सभी की समीक्षा ली गई और लगभग डिपार्टमेंट की, कई डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस ठीक है। जिनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है उनको हमने बोला है कि भाई अभी इनको तुरंत तत्काल दिसंबर तक कम्प्लीट करें, जिसमें से हमारी पेयजल की योजनाएं हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी योजनाएं जो हैं जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं, जो निर्माण से संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे NH के हैं, उनको बोला गया है कि आपको ये ड्यू ड्यूरेशन काम को पूरा करना है। भारत सरकार को उपकरण पत्र के माध्यम से हम इस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से उसको दे और जिससे भारत सरकार से हमें। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है।
हम अपने संगठन में काम कर रहे हैं। दो दिन पहले हरिद्वार में गढ़वाल मंडल के जितने भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष थे उनकी बैठक ली गई थी। उनमें कई गंभीर विषयों पर चर्चा की गई। आगे करण महारा ने बताया कि हमें कैसे आगे की रूपरेखा तैयार करनी है उस पर विचार किया गया है और जल्द ही कुमाऊं मंडल की बैठक होगी। अभी हम लोग अपने संगठन में काम कर रहे हैं। दो दिन पहले आपने देखा होगा हरिद्वार में गढ़वाल मंडल के जितने भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष थे उनकी बैठक ली गई है। उसमें कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुआ है और कैसे हमने आगे की रूपरेखा तैयार करनी वो हुई है। इसी महीने 10 तारीख के आसपास एक बैठक कुमाऊं मंडल की भी होने जा रही है जिसमें कुमाऊं मंडल के महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया जाएगा। उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे, उस पर करेंगे। और निर्णय लिया है पार्टी ने कि ब्लॉक और बूथ अध्यक्ष के बीच में एक कार्यकारिणी और हम बना रहे हैं, इसको मंडल का नाम दिया है। उनका गठन हम करें जो लगभग जिसकी संख्या 1200 के आसपास होगी पूरे प्रदेश में, और ये समन्वयक का काम करेंगे बूथ और ब्लॉक लेवल पर। और ये कमेटियों के गठन की कार्रवाई भी हम एक दो महीने के अंदर हम खत्म कर लेंगे। और बूथ लेवल पर हमारा काम लगभग 90% के आसपास हमारे जिलाध्यक्षों ने खत्म कर लिया है, जिसको लिपिबद्ध करके हम दिसंबर के माह तक अपना काम कंप्लीट करेंगे और हम पूरी तरीके से कमर कस। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पूर्व उत्तराखंड में खबरों की ओर रुख करते हैं। धामी सरकार पर दलित और गरीबों समेत महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर कांग्रेस गांधी पार्क में धरने पर बैठ गई। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, यशपाल आर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही वोट हासिल करने का नाटक कांग्रेस करती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार से पूछा कि आखिर वह बताए कि अभी कौन सा चुनाव है। करण महारा ने कहा कि सरकार दलित और गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। सहायता मदद तो छोड़ दीजिए, इमदाद तो छोड़ दीजिए, न कोई कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हुई। मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है। चंपावत की एक बेटी के साथ जो प्रचारक होता है और जो धर्म ज्ञान की बात करता है, वो कथावाचक उस बेटी की हत्या कर देता है, कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह बेलड़ा का मामला सबके सामने है। बेलड़ा में है पंकज की दलित जो दलित परिवार से होता है, और जब वो न्याय की मांग करते उसके अपराधियों के नाम जो रिपोर्ट करने के लिए थाने में जाते हैं वहां से भगा दिया जाता है। रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। पोस्टमार्टम के लिए भी सीधे थाने से पोस्टमार्टम के लिए लिया, उसको घर में आने से सब को भी घर में ले जाने के लिए रोक लगा दी जाती है। और जब वो लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतरते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है, प्रशासन और अपराधी साथ दिखाई देते हैं, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। ये हमारे SC ST सेल के कॉल पे आज प्रदर्शन है। जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो जगदीश आर्य हत्याकांड हो सल्ट का, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद में वो चार बहनें जिनका बलात्कार हुआ और SC ST एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था ताकि वो अपना केस ढंग से लड़ सके, वो आज तक नहीं मिला है। उसकी लड़ाई हो, चाहे वो हरिद्वार के क्षेत्र में जो घटना भी कुछ महीने पहले भी थी उसमें उनका प्रताड़ना, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करना हो, एक यूथ की जो है मृत्यु हुई है, ये सारे विषय ऐसे हैं जिनको लेकर SC ST सेल जो है इस समय नाराजी में है। और वो कहता है कि सरकार, बीजेपी की सरकार में SC लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये हकीकत भी है, पुरौला में जहाँ हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट कर रहे थे वहां 2 SC की बहनों के संग बलात्कार हुआ, एक को मुआवजा तक नहीं मिला। आप न्याय। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हरिद्वार पहुंचे पंजाब के विधायक और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी
वरिंदर गोयल, सह प्रभारी रोहित मेहरोलिया ने कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल ने पंजाब सरकार की ओर से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा पर की गई कार्रवाई को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज कांग्रेस भले ही सड़कों पर उतर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं वरिंदर गोयल ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में धामी सरकार पिछड़ी हुई है और रोजगार के नाम पर युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। आम आदमी पार्टी सभी जनविरोधी नीतियों का डटकर विरोध कर रही है और 2024 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का काम सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। जो भी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी तो ये सब बातें उनके पास आएंगी, वो जैसा तय करेंगे आपको बता दिया जाएगा। तो देखो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे सुप्रीमो ने कह दिया है, उस बात के बाद कह दिया है तो सब ठीक है। इंडिया अलायंस जो है ये इन छोटी मोटी बातों के लिए नहीं है। इंडिया अलायंस लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए है। इंडिया की सरहदें सारी कायम ठीक ठाक रहें, दूसरे देश से कोई खतरा ना हो, अंदर से कोई खतरा ना हो, बाहर से कुछ खतरा ना हो, ये इस उद्देश्य के लिए है, जनता को बचाने के लिए। मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी के नाम पे तो सारे एक-एक जुट हुए हैं। तो मोदी जी जो कर रहे हैं तो बात, जो आदमी गलत काम कर रहा है तो नाम तो उसका लिया ही जाएगा। जो गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे, वो हम लोक हित की नीतियों को लेके और लोगों के जो भी लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, इन लोगों ने मुश्किलें पैदा की हैं, वो बातों को सामने रख के करेंगे। उन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए हम अपनी पॉलिसी आगे रखेंगे लोगों के। और दूसरी बात यह है कि आज देश के लोग ये मन बना चुके हैं, क्योंकि लोगों का जीना दूभर हो गया है, लोग भूख से मर रहे हैं और लोगों को दूसरे देशों से, जो देश हमसे इतना डरते थे, आज हल्द्वानी मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। जोगिंदर पाल ने बताया कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नगर निगम क्षेत्र में अवस्थाना विकास के लिए 2,200 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 1,300 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं और कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। जल्द ही शहर और स्वच्छ दिखाई देगा। आगे उन्होंने बताया कि शहर में कूड़े को निस्तारित करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साइन किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय पूरे विश्व के लिए बना हुआ है और इसमें कई नवाचारी कदम अपनाए जा रहे हैं। कंपोस्ट प्लांट का हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है, लेकिन मेरा अपना मंतव्य है कि कंपोस्ट प्लांट के इतर हम लोग एनटीपीसी के पायरोलिसिस प्लांट की तरफ हम लोग बढ़े हैं, क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट आपका चारकोल है, क्योंकि एक बहुत ही इनकम जनरेटिंग एनटीपीसी के लिए रहेगा और एनटीपीसी अपने जो सीएसआर फंड से उसकी स्थापना करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई है, तो एक नॉन बाइंडिंग एमओयू जल्दी एनटीपीसी से किया जा रहा है और ये बड़ा सौभाग्य कि हल्द्वानी को उन्होंने इसके लिए चिन्हित किया है। आंतरिक सड़कें मैं समझता हूँ कि जितनी भी है ज्यादा नहीं है, बाकी कई सड़कों का निर्माण करा दिया गया, निर्माणाधीन है, उनको आमदनी एक एक डेढ़ माह के अंदर गड्ढा मुक्त किया जाएगा। नवीनीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, नवीनीकरण तो तभी होगा जब वित्त होगा, गड्ढा मुक्त करने का पूरा प्रयास किया। सिटी फॉरेस्ट को लेकर भी आपका बहुत अच्छी योजना है, उसकी शुरुआत कब से होगी? बहुत बड़ी सौगात मिली। सिटी फॉरेस्ट की जहां तक बात है, वर्तमान में कार्य वहां पर चल रहा है, बाउंड्री वॉल वगैरह को बनाया जा रहा है, अंदर भी काफी कार्य हुआ है। आगामी माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे में उसका
मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे अब आप नगर निगम संबंधी किसी भी शिकायत का निस्तारण कर सकते हैं। नगर निगम की इस सिटीजन ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से लॉन्च किया है। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि आम नागरिकों के लिए लॉन्च की गई इस ऐप का मकसद विभिन्न तरह की शिकायतों का समाधान करना है। आपको बता दें, एंड्रॉयड और एप्पल फोन यूजर्स इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नगर निगम देहरादून सिटीजंस ऐप ने इसे सर्च किया जा सकता है और अपनी कंप्लेन आप इसमें दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें, इससे सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, आवारा पशु, डोर टू डोर कूड़ा उठाने, वाटर ड्रेनेज संबंधित कंप्लेन की जा सकती है, उनका निस्तारण किया जाएगा। सिटीजन ऐप से जो है, जो लोगों को अपनी शिकायत के लिए अपने नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, ऐप के माध्यम से चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उनको जो है ये सुविधा मिलेगी, इसलिए इस ऐप का शुभारंभ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।